हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लखा डिफेंस करियर। दोस्तों, इस वीडियो पर हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके जितने भी सवाल थे रिगार्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी, जैसे कि बेस्ट बुक प्रेफरेंस क्या है, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रदर ने काफी अच्छे तरीके से शेयर किया है दोस्तों, और उन्होंने कितना हर डेली पढ़ाई कर रहे थे जिसके बदले में वो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का एग्जाम क्लियर कर पाए। इस वीडियो पर हम सारे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का अब वैकेंसी आ चुका है और है ना, और फॉर्म खिला भी जुलाई मंथ से शुरू हो जाएगा, तो आपका एग्जाम खूब शीघ्र ही हो जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो दोस्तों, ये आप ब्रदर का इमेज देख सकते हो, इन ब्रदर का दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी में सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया, लेकिन एग्जाम में अच्छी खासी प्रदर्शन किया है ना। वो एग्जाम देकर आने के बाद उन्होंने जो मार्क काउंटिंग किया, मैं भी उनका मार्क काउंटिंग किया, तो अच्छी खासी नंबर आ रहा है, तो इसीलिए तो उनका तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और उनका फेस टू की एडमिट कार्ड भी आ चुका है, उनका भुवनेश्वर सेंटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रदर के साथ मैं काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई और मैं काफ़ी सारे सवाल उनको पूछा कि तो आप कितना हर पढ़ाई कर रहे थे डेली। तो उन्होंने पूछा कि डेली 4 to 5 hour, है ना, डेली 4 to 5 hour। और उन्होंने बताया कि मैथ एंड रीजनिंग के लिए दोस्तों 2 hour देते थे, क्योंकि आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी की एग्जाम में मैथ एंड रीजनिंग ज़्यादा सवाल आता है, तो इसीलिए उन्होंने डेली 2 hour मैथ एंड रीजनिंग के लिए देते थे, और अदर हर वो अदर सब्जेक्ट के पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं पूछा कि आपका बुक प्रेफरेंस क्या थे, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनके पास अच्छी स्टडी मटेरियल नहीं आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में अच्छी खासी नंबर आ रहे, तो अगर आप उस बुक को टारगेट करेंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा डेफिनेटली। ताकि आपका बुक प्रेफरेंस क्या है, तो रिप्लाई दिया कि इंग्लिश के लिए वो लूसेंट को प्रिफेयर कर रहे थे, है ना। एंड जीके रीजनिंग के लिए जो आरएस अग्रवाल का एक बुक आता है मोटी सी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, उन्होंने उस बुक को प्रिफेयर की दोस्तों। तो मैथ के लिए उन्होंने 10th की मैथ, जैसे 9th 10th की बुक होता है ना, वो एनसीईआरटी की वो प्रिफेर की थी, वो डेली पढ़ाई कर रहे थे, है ना। ऐसे नहीं कि फिर आज पढ़ाई की फिर 1 week के बाद, ऐसा नहीं। वो दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आप कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप वो डेली पढ़ाई करेंगे तो आपका एक हॉबी रहेगा। फिर मैं उनको पूछा कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, तो उन्होंने बोला कि मैं डेली 4 to 5 hour पढ़ाई कर रहा था। पहले तो जितने भी सिलेबस में टॉपिक है वो सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर किया, फिर उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाई, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट लगाई। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट लगाए और देखिए कि आपका कैसे स्कोर इंक्रीज हो रहा है। डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाए और इस तरह उन्होंने पढ़ाई की, और